हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी EVS की GS की इस क्लास में, जिसमें हम ज्योग्राफी का पोर्शन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड था। आप सबकी तरफ से काफ़ी बच्चों द्वारा जो है डिमांड की जा रही थी कि इस टॉपिक को फिर से रिक्रिएट किया जाए, फिर से समझाया जाए और फिर से इसके क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम का पार्ट रहता है, चाहे वो DSSB PRT हो या KVS हो। तो हर एक एग्ज़ाम के अंदर, PRT के अंदर, TGT के अंदर, PGT के अंदर, सभी के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है। टॉपिक को मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पहले पुट करेंगे फिर टॉपिक को डिस्क्लोज करेंगे। तो पहले इसके अलावा KVS के अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूड है, KVS PRT के अंदर भी है, KVS TGT SST के अंदर भी इंक्लूडेड है, और इसके अलावा SSC के अंदर भी ये पूछा जाता है। तो सभी चीज़ों में, इवन UPSC के अंदर भी बड़ा कंसेप्चुअल रूप में इसको पूछा जाता है। तो ये टॉपिक जो है यूनिवर्सल है, तो किसी भी स्पेशली एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए जो ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम करने वाले हैं। इस टॉपिक का जो नाम है वो आपको बिल्कुल क्लियर मैं नहीं बता रहा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा फिडियाज एकेडमी का लोगो है, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे रूटीन में क्लासेस जो है यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। कुछ टेक्निकल चीज़ें हम जो हैं वो कर रहे हैं, तो रूटीन अभी नहीं बन पाया है, लेकिन जल्दी ही आपको रूटीन देखने को मिलेगा और कम्प्लीट फुल फ्लेज जो सब्जेक्ट की क्लासेज हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है? जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन जो है वो, जो हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को जो हमें भी अप्रिसिएशन मिल जाता है उस चीज़ से, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपको जो है वो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? इनमें से कौन सी वो रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है, किसकी? गंगा रिवर की नहीं है। यहाँ पे आपको देखना, देखिए क्या कहा है, इज नॉट। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हुए भी गलत हो जाते हैं। आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा सोन नदी, तो आप आंसर कर देते हैं टिक। तो आपको हमेशा क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो समझ लिए कि आधा तो सॉल्यूशन आपने कर ही दिया है, ठीक है? अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है, इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, नहीं है या है, इस पर आपने हमेशा सर्कल करके रखना है, जीरोइंग करना है, इसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पर कहा है कि कौन सी नदी गंगा की नदी की सहायक नदी नहीं है। पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा है कोसी नदी, तीसरी है तीस्ता नदी और चौथी है घाघरा नदी। तो आप सभी जानते हैं कि अगर गंगा नदी आपने पढ़ी है और उसका ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा है, तो हमारा जो टॉपिक आज का है वो है ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है? ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया या रिवर्स ऑफ इंडिया इसको ये भी कह देते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न इसको हिंदी में कहते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जो भारत के अंदर है, पानी जो बह के जाता है ना ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की तरफ, उसको कहते हैं पानी का अपवाह। और उस अपवाह का तंत्र जो है वो पूरी तरीके से मैकेनिज्म सिस्टम जो बना हुआ है उसको, पैटर्न को कहते हैं अपवाह तंत्र। तो ये रिवर्स को स्टडी करने का, ड्रेनेज पैटर्न को जो है रिवर्स को स्टडी करने का पैटर्न होता है ये। तो भारत के अंदर देखिए थोड़ा सा आपको जानकारी बढ़ाते हैं, उसके बाद आपको देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबसे पहले हमको देखना है कि जब भी कोई रिवर किसी स्थान से बहते हुए जाती है, ठीक है, तो इस एरिया का सारा पानी जो है वो ड्रेन करती है, सुखाती है। जैसे ड्रेन, ड्रेनेज बनी होती है, ड्रेन के अंदर जो है पानी जाता है, और ये पूरा का पूरा एरिया जहाँ जहाँ से ये रिवर अपना पानी उठाती है उसको कहते हैं रिवर बेसिन, ठीक है? ये रिवर का बेसिन है, ठीक है? इस आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि रिवर बेसिन क्या है, तो रिवर बेसिन वो एरिया है जहाँ से रिवर अपना पानी उठाती है, ठीक है? जहाँ से भी एरिया से पानी उठाया है, ठीक है? इसके अलावा दूसरा एक और टर्म आपसे पूछता है कि वाटर डिवाइड क्या होता है, तो इस बेसिन के इधर जो पानी होगा वो कहीं और जाता है, इसमें नहीं मिलता, वो दूसरा बेसिन शुरू हो जाता है। तो बीच में जो ये ऊंचा स्थान होता है जहाँ से दो रिवर बेसिन जो है डिवाइडेड होते हैं उसको कहते हैं वाटर डिवाइड, ठीक है? तो ये टर्म आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि दो रिवर बेसिन को कौन सी चीज़ डिवाइड करती है, तो वाटर बेसिन करता है। और साथ ही साथ रिवर जहाँ से पानी लेती है
कंप्लीट वाटर जो जहाँ से लेती है उसको कहते हैं रिवर बेसिन। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इंडिया में दो ड्रेनेज पैटर्न जो है देखने को मिलते हैं। इंडिया में जो हम स्टडी करते हैं ड्रेनेज पैटर्न, वो दो तरीके के समझने में को मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया बेसिन, आप सभी ने घर में वाश बेसिन सुना होगा। तो वाश बेसिन आपने देखा होगा, उसके अंदर आपने देखा एक बेसिन होता है इस तरीके से, यहाँ पे एक नल लगा होता है, पानी गिरता है। तो इसमें जहाँ भी पानी गिरता है वो सारा पानी एक पॉइंट पे आके चला जाता है बहते हुए। तो इसी तरीके से रिवर बेसिन भी ऐसा एक बेसिन होता है रिवर का, जिसके अंदर जितना भी पानी होता है वो फाइनली एक सेंटर रिवर की जो सबसे बड़ी धारा है उसमें आके मिल जाता है, और इस तरीके से एक बड़ी रिवर बन जाती है, उसका वाटर जो है बढ़ता जाता है। तो इस एरिया जहाँ से पानी उठाया है इसने, इसको रिवर बेसिन कहते हैं। ठीक है, वाश बेसिन से आप समझ गए होंगे कि ऐसा नाम क्यों है। उसके बाद आपको देखना है कि जो ड्रेनेज पैटर्न है इंडिया के अंदर, वो ड्रेनेज पैटर्न दो टाइप का है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि भारत में कितनी तरह की नदियाँ मिलती हैं, तो वो दो तरह की हैं। पहला है हिमालयन रिवर्स, जो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स है ना उनको कहते हैं हिमालयन रिवर्स, हिमालय से निकलती है। हिम वर्ड का मतलब क्या है? बर्फ। ठीक है, और आलय मतलब घर, तो बर्फ का घर है हिमालय। ठीक है, उसके साथ दूसरी है पेनिनसुलर रिवर, इनको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। पेनिनसुलर रिवर को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रायद्वीप नदियाँ। तो प्रायद्वीप भी क्या है वो भी बताएंगे। पहले आप देख लेते हैं कि इंडिया, अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं इंडिया का पूरा मैप देखते हैं, तो आपको यहाँ पर दो नदियों का डिवीज़न देखने को मिलेगा। पहला जो नदियों का डिवीज़न है वो देखने को मिलेगा, वो है हिमालय से निकलने वाली रिवर्स, तो उनको कहते हैं हिमालयन रिवर। ठीक है, तो यहाँ की जो रिवर्स हैं, जैसे ये इधर एक रिवर जाती है जिसको कहते हैं इंडस रिवर, बाकी रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरी जो इसको सहायता करती है, इसमें पानी डालती है। दूसरी एक और रिवर है जो इधर से घूम के जाती है, इसको कहते हैं गंगा नदी, और इसकी एक सहायक नदी यमुना है, और बाकी भी कई नदियां हैं। तो ये हो गई दो रिवर, और तीसरी रिवर जो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, तो वो रिवर है ब्रह्मपुत्रा नदी, जो कि चाइना से निकलती है और हिमालय के दूसरी तरफ बहती हुई आती है, और अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। यहाँ पर इसको सांगपो रिवर कहते हैं। तो ये तीन रिवर सिस्टम हमको पढ़ने हैं हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर। पहला है इंडस रिवर या सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा रिवर बेसिन या गंगा नदी का ड्रेनेज पैटर्न, और उसके साथ सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका ड्रेनेज पैटर्न आपको पढ़ना है हिमालयन रिवर के अंदर। अब एक और चीज़ देखनी है कि देखिए ये जो पार्ट है इंडिया का, जो ये गुजरात से नीचे का पार्ट है, आपको कुछ कुछ ये ट्रेंगुलर सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो ज़मीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है उसको कहते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप। तो कभी कभी आपको समझ में, कई बार आपने पढ़ा देखा होगा कि प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप क्या है, तो भारतीय प्रायद्वीप या प्रायद्वीप का पठार क्या है, या प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं। तो इस भाग को क्यों कहा गया प्रायद्वीप? क्योंकि तीन तरफ से ये ज़मीन जो है पानी से घिरी होती है, और ऐसी ज़मीन को बोलते हैं क्या? पेनिनसुला। तो इंडिया का पेनिनसुला कौन सा है? साउथ का जो पार्ट है जो कि हिंद महासागर में धंसा हुआ है, तो पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो यहाँ पर जो रिवर्स हैं उनको कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे लगता है। पेनिनसुलर रिवर कौन सी है जो इस पेनिनसुला पे मिलेंगी? तो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ज़्यादातर रिवर्स जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। ये वेस्ट है अगर मैप आप पढ़ना जानते हैं, और ये ईस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो इन चारों डायरेक्शन को आप हमेशा याद रखिए, मैप में यही रहेंगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो रिवर है वो पश्चिमी घाट से निकलती है और बहते हुए बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में आके यहाँ पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल। अब थोड़ा सा इसको भी मैं आपको बता दूं कि बे क्या होता है। ऐसा वाटर जो कि तीन तरफ से ज़मीन से घिरा हो, बिल्कुल इसका अपोजिट है। ये ज़मीन घिरी हुई पानी से तीन तरफ से। अब यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे करके म्यांमार देश है। ठीक है, तो ये वाला एरिया देखिए, ये इधर भी ज़मीन से घिरा हुआ है, इधर भी ज़मीन से घिरा हुआ है, और इधर भी ज़मीन से घिरा हुआ है, तो इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। तो इसमें आके ये रिवर गिरती हैं, ज़्यादातर रिवर का यही पैटर्न है। ठीक है, जो रिवर इसका कुछ अलग दिखाएंगी उनको कहते हैं कि ये अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो फिर से मैं आपको जो बता रहा हूँ कि भारत में जो गंगा जो ड्रेनेज पैटर्न है या अपवाह तंत्र है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो वो अपवाह तंत्र दो पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हिमालयन एक पहला पार्ट है और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर, यानी कि पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न उसको कहेंगे। उसके बाद आपने देखा कि हिमालयन में तीन रिवर्स हैं। एक रिवर है जिसका नाम है इंडस, जो कि चाइना से ही निकलती है मानसरोवर झील के आसपास से। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, वन बाय वन जब करेंगे तो आपको बताएंगे भी। और दूसरी रिवर है जो कि हिमालय से ही निकलती है, गंगोत्री से, और एक यमुनोत्री से एक उसकी सहायक नदी यमुना होती है, जो इलाहाबाद में आकर या प्रयागराज के आसपास आकर इसमें मिल जाती है। और भी कई कुछ नदियाँ, सहायक नदियाँ इसमें आगे मिलती हैं। फाइनली ये थोड़ा सा इसका एक हिस्सा, एक ब्रांच बांग्लादेश में जाएगी और एक ब्रांच जो है हुगली के रूप में बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। और तीसरी नदी हमने देखी सांगपो रिवर। तो सांगपो रिवर जिसको इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसी को दिहांग भी कहा जाता है। आपको वन बाय वन करेंगे ना तो ये चीज़ें सारी बताएंगे और सबसे ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बताना जरूरी भी है। तो सांगपो या ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसको जो है भी स्टडी करेंगे हिमालयन के अंदर। बाकी पेनिनसुलर रिवर के अंदर सबसे पहले तो गोदावरी होगी, ठीक है, उसके बाद जो है कृष्णा होगी, कावेरी होगी, और इसके अलावा दो रिवर ऐसी हैं जो कि उल्टी दिशा में बहते हुए अरब सागर में आके गिरेंगी। पहली है नर्मदा नदी और दूसरी है तापी नदी। ये दोनों नदी जो है वो ब्रंस घाटी से या रिफ्ट वैली से बहती है, तो इसका ढाल जो है ये है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देंगी। तो इसकी वजह से आपको इंडिया के अंदर दो रिवर्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली से बहती हुई जाती है, यही हो जाती है। कौन सी रिवर जो है ब्रंस घाटी से बहते हुए जाती है, वो भी यही दो रिवर होगी। और ये भी पूछेगा कि कौन सी रिवर जो है ढाल को फॉलो नहीं करती, तो ये दो रिवर है, एक नर्मदा और एक तापी, और ये अरेबियन सुई यानी कि अरेब की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे और क्वेश्चन भी करते रहेंगे। अब इसने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो यहाँ पर पूछा है कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, यानी कि सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये पूछा है। तो इसका मतलब ये है कि तीन तो सहायक होगी और एक नहीं होगी। पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है और हमसे पूछा भी यही है। तो देखिए सोन नदी से बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अकेली ऐसी नदी है जो साउथ की तरफ से बहती हुई आती है, ठीक है, और पटना के पास गंगा नदी में आके मिल जाती है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सी वो रिवर है जो कि साउथ की तरफ से बहते हुए आती है और गंगा नदी में आके जाके पटना के आसपास मिल जाती है, तो वो रिवर कौन सी है? सोन नदी। अगर आपने मौर्य काल पढ़ा है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो यू मस्ट हैव नोन दैट द पटना दैट वाज एस्टेब्लिश्ड एज द कैपिटल ऑफ मगधा एम्पायर, वो मगधा एम्पायर की जो कैपिटल बनाई गई थी, तो वो क्यों ऐसी जगह पे बनाई गई? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उदयन ने जब पटना एस्टेब्लिश किया था, पाटलिपुत्र एस्टेब्लिश की थी, तो कहाँ पे की थी और क्या रीज़न था? उसका रीज़न यही था कि दो नदियां आके मिल रही है और ऐसे स्थान जिसके जो है इस तरफ भी नदी और इस तरफ भी नदी हो, तो वो दुर्ग बन जाता है, एक फोर्ट बन जाता है, जल दुर्ग बोलते हैं उसको, वाटर फोर्ट, ठीक है। तो उसको क्रॉस करने में दुश्मन को प्रॉब्लम होगी, तो ये सोन नदी को इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोन रिवर तो है गंगा की, तो जो है वो तो पूछ ही नहीं है, हमें तीन तो ठीक निकालनी है, एक गलत, और ये वाली ही आंसर होगी। कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी है, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि जो आप तमिलनाडु का हिस्सा देखेंगे, यहाँ पर है बिहार, जो ये कोसी नदी निकलती है हिमालय से, लेकिन ये क्या करती है, तराई रीजन से कभी ये इधर से निकल जाती है, कभी उधर से निकल जाती है, अपना रास्ता बदलती रहती है। तो यहाँ पर अगर एक बांध बना दिया जाए तो वो इधर से निकलने लग जाएगी, इधर से निकलने लग जाएगी, तो मतलब बहुत ज़्यादा अपना जो है रास्ता बदलने के लिए इन फेमस है ये, तो रास्ता बदलने के लिए इन फेमस है। तो आपको देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं वैसे समझा रहा हूँ, थोड़ी थ्योरी भी लेके चल रहा हूँ। रास्ता बदलने के लिए नोटोरियस है, कौन सी नदी है? बिहार की कोशी नदी। और जब ये रास्ता बदलती है तो जब जो लोग यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ रहने लगे थे, इनके यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी,
इनके यहाँ पे बड़ा जान माल की नुकसान होता है। तो कोसी रिवर जो है वो भी गंगा की सहायक नदी तो है और ये बिहार का शोक भी कहलाती है। अब आ गई तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। तीस्ता जो रिवर है, तीस्ता जल समझौता किसके साथ हुआ है ये भी पूछ लेता है। तीस्ता जल समझौता इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये रिवर ऐसी रिवर है जो दो देशों के बीच बहती होगी, तभी तो ये समझौता करना पड़ा है। तो तीस्ता रिवर समझौते में क्या है कि बांग्लादेश में ये रिवर आती है सिक्किम से बहते हुए और बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, और इधर से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसमें आके ये मिल जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की है, ना कि गंगा की सहायक नदी है। दूसरा, ये तीस्ता रिवर जो है वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में से होके बहती है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें जो नहीं है वही पता करना था। अब है क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है कि घाघरा नदी। घाघरा नदी नो डाउट ये गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी जब डिटेल में मैं बताऊंगा तब भी आप इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जिसका आंसर आपने देखना है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ठीक है, कहाँ पर है ये भी बताना है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, और ये मैं लास्ट में इसका आंसर बताने की कोशिश करूंगा, मुझे याद रहा, लेकिन ये आपका टास्क है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फिर है लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, दोनों ही सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दोनों ही अलग क्वेश्चन है, दिखते हैं एक जैसे। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट मतलब जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, और लार्जेस्ट जिसकी कैपेसिटी, वाटर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, और जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उसका बेसिन भी सबसे बड़ा ही होगा जहाँ से वो पानी उठाती है। तो एक का आंसर मैं बता देता हूँ, दूसरे का आंसर आप बता देना कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल रिवर है या नील रिवर है, जो कि भूमध्य रेखा से निकलती है, ठीक है, और बहते हुए जाती है, और फाइनली मिस्र से होते हुए वो भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। तो इसलिए नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। इस नदी की वजह से एक ऐसा एरिया जहाँ पे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे रिवर्स को जो है इसलिए वरदान कहा जाता है। और आपने देखा है कि प्राचीन काल में मिस्र की सभ्यता, जो कांस्य युगीन ब्रोंज सिविलाइजेशन थी, वो नील नदी के किनारे पर ही हुई। जो जितनी भी सिविलाइजेशन है उनको पानी चाहिए है खेती के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो इसलिए वो हमेशा रिवर्स के किनारे पर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वाटर सप्लाई तो अभी डेवलप नहीं हुआ है एंशियंट टाइम पे। अब बात करते हैं किसकी, लार्जेस्ट रिवर की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने, आप सबको पता भी है, नहीं पता है तो इसको टास्क जो है पूरा कीजिए और बताइए कि भाई क्या आंसर होगा। अब है, व्हाट इज द नेम गिवन टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन देखिए, अब ब्रह्मपुत्र रिवर पे पहले, सबसे पहले मैं इसी रिवर को करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिवर इतना ज़्यादा जो है फैक्ट नहीं लिए हुए हैं, लेकिन इस पे मैं बात करूँगा। इसने कहा कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या नाम दिया गया है। बिल्कुल क्लियर कट फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र का, ये हिमालयन रिवर सिस्टम है, और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये अराइज करती है भारत से बाहर चाइना के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन सी रिवर ऐसी है जो भारत से बाहर अराइज करती है। तो एक तो इंडस रिवर है, सिंधु नदी, ठीक है, जो कि चाइना से अराइज करती है, और यहाँ पर मानसरोवर झील है कैलाश मानसरोवर पर्वत के पास, और यहीं के आसपास से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है तिब्बत में सांगपो, ठीक है। और फिर जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो इस यहाँ पर एक खड्डा है जिसका नाम है दिहांग गोर्ज। गोर्ज मतलब होता है घाटी, खड्डा। तो यहाँ से ये रिवर जो है सीधा राइट एंगल पे, यानी कि राइट एंगल पे मोड़ ले लेती है, जा रही थी किधर और सीधा 90 डिग्री पे मुड़ के वापस अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर देती है। तो यहाँ पर इसका नाम है दिहांग, क्योंकि दिहांग का गोर्ज भी इसी नाम से है। और यहाँ पर एक पर्वत है जिस पर्वत से ये जो है नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत है, यहाँ से ये मुड़ जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से रिवर के पास से ये मुड़ जाती है। तो नामचा बरवा पर्वत के पास से, माउंटेन के पास से ये मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, जहाँ इसका नाम है दिहांग। तो सही आंसर क्या है, दिहांग। सांगपो तो तिब्बत में है, यानी कि जो चाइना का पार्ट है, तिब्बत ऑक्युपाइड, ठीक
ठीक है, वो वहाँ पे इसको सांगपो कहा जाता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। पद्मा, देखिए पद्मा गंगा को कहा जाता है, जो गंगा बांग्लादेश के बॉर्डर से जाके एक पार्ट जो बांग्लादेश में चला जाता है उसको पद्मा कहा जाता है, और इसका एक पार्ट यहीं से हुगली से होते हुए, तो पद्मा उसका नाम है। जमुना किसका नाम है? तो जमुना जो है, जो ये रिवर जो दिहांग कहलाती है अरुणाचल प्रदेश में, जब ये असम में आती तो यहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और फाइनली जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो यहाँ इसको जमुना कहते हैं। ठीक है, तो जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का। और कहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर है। तो बांग्लादेश के अंदर आपको एक और नाम देखने को मिला ब्रह्मपुत्र का, पहला था सांगपो। सांगपो यानी कि जो तिब्बत में नाम है ब्रह्मपुत्र का। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है दिहांग। तो बिल्कुल चेंज हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब असम में आती है तो इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? असम में। कितने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद फाइनली जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसको कहते हैं जमुना। तो ये बांग्लादेश के अंदर हो गया। तो ब्रह्मपुत्र के कितने सारे नाम हो गए, और 4-5 क्वेश्चन बनने के चांस भी हो गए। ठीक है, ये भी हो गया कि दिहांग गोर से मुड़ती है और नामचा पर्वत के पास से मुड़ के राइट एंगल पे मुड़ जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी जो सहायक नदियां हैं वन बाय वन। फिलहाल हम टॉपिक को हल्के हल्के से कवर कर रहे हैं, सारा ही टॉपिक करेंगे तो आप, क्योंकि इसका रिवीजन भी करवाना है, तो रिवीजन होगा तो आपको जो है उसमें हेल्प मिलेगी। फिर से बताता हूँ, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में नाम है, तो हमारा सही आंसर हमें मिल चुका है। सांगपो तिब्बत में है, पद्मा गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं, और जमुना जो है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एक ही साथ यहाँ पर मिल गए, तो इसलिए आपको रिवीजन बार बार मैं करवाऊँगा। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन याद होंगे। ब्रह्मपुत्र एंटर फ्रॉम चाइना टू इंडिया थ्रू विच प्लेस ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो बिल्कुल मैंने ये चीज़ आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल के किस स्थान से जो होकर ब्रह्मपुत्र चीन से भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र मैंने बताया था कि राइट एंगल पे मुड़ जाती है, और यहाँ पर एक स्थान बताया था नामचा बरवा पर्वत। तो देखिए कहीं पर है नामचा बरवा, बिल्कुल ये आंसर हमें मिल गया, नामचा बरवा। इसके अलावा अगर आपको नहीं आंसर पता है और आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, लेकिन यहाँ पर नंगा पर्वत जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद रोहतांग पास ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश की। तो अगर आपको ये चीज़ें भी पता है तो तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं कि नामचा बरवा से ये भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में फिर इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। और इसमें एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है दिबांग। ठीक है, दिहांग में एक सहायक नदी आके मिलती है दिबांग। तो ये कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी भी काउंट कर सकते हैं इसको। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, फिर वन बाय वन जो है रिवर सिस्टम को देखते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड एज बिहार का शोक एंड इज नोटोरियस फॉर चेंजिंग द पाथ? कौन सी रिवर जो है वो बिहार का शोक कहलाती है और नोटोरियस है, यानी कि मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बहुत इजीली आपको ये चीज़ मैंने अभी बताई थी, मुझे लगता है आप रिकॉल भी कर पाएंगे, तो आप ही बता दीजिए, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। तो एक रिवर है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, हिमालयन की तरफ से आके जो है बिहार में आके जो है गंगा में मिल जाती है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसको नाम है कोसी, कोसी नदी, इसको कोसी माई भी बोलते हैं उधर पर। ठीक है, तो यही वो रिवर है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा घाघरा भी गंगा की सहायक नदी है, काली नदी भी है, तीस्ता गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर से मैं आपको रिवाइज ये चीज़ करवा रहा हूँ। अब वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन दो कुछ क्वेश्चन और करते हैं कि विच रिवर इज कॉल्ड एज बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किस रिवर को कहा जाता है? बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर रिवर को, हुगली को, महानदी को, या गंगा को?
तो महानदी का ऑप्शन कट जाता है क्योंकि महानदी उड़ीसा में है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए हुगली नदी, क्या हुगली नदी को कहा जाता है या दामोदर रिवर को कहा जाता है या सॉरी गंगा नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है दामोदर रिवर इज कॉल्ड एज द शोक ऑफ बंगाल। ठीक है, गंगा नदी को भी नहीं कहा जाता है, तो ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इन दोनों के बीच में, लेकिन मुझे लगता है आंसर यही है। ठीक है, दामोदर रिवर को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार, चलिए डाउट है तो मैं देखता हूँ इसका की देख लेते। बिल्कुल दामोदर ही है, हमने की देख लिया है, दामोदर ही है, कोई डाउट नहीं रहा मुझे। मतलब मेरा इंस्टिंक्ट जो काफ़ी दिन रिवाइज करने के बाद भी था वो सही था। अब देखिए किस रिवर को चाइना का शोक कहा जाता है? बिल्कुल स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन तो हैं लेकिन ये पेपर में बहुत आते हैं। कौन सी रिवर जो है चाइना का शोक कहलाती है? देखिए सांगपो रिवर, ये सांगपो रिवर किसको कहा जा रहा है? ब्रह्मपुत्र को। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें याद करके जाएंगे। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के अंदर जो है चाइना के जो पार्ट है उसमें कहा जाता है सांगपो, तो ये तो ऑप्शन ही कट गया, ये नहीं है वो। इंडस रिवर तो इंडिया में ही ज़्यादा बहती है और पाकिस्तान में, ये भी चाइना का शोक नहीं है। सतलज ये निकलती तो चाइना से ही है, राकस लेक से निकलती है, राकस लेक है वहाँ पर झील, उससे ये निकलती है और फिर हिमाचल में जो है ये सिपकिला दर्रे से भारत में एंटर करती है। तो हिमाचल प्रदेश अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करें तो ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ से एक दर्रा है, पहाड़ों के बीच के रास्ता जो होता है उसको दर्रा कहते हैं, यहाँ से ये एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, तो ये भी वो रिवर नहीं है। सही आंसर है वांगो रिवर या येलो रिवर को जो है चाइना का शोक कहा जाता है। एक क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है उसको भी करेंगे, उसके बाद मैं दो रिवर को कर एक रिवर को कम से कम एक रिवर को तो इस टॉपिक में जरूर करवाऊंगा। व्हाट इज द नेम गिवन टू गंगा इन बांग्लादेश? बांग्लादेश के अंदर गंगा को कौन सा नाम दिया गया है? फिर से मैं मैप से आपको समझाता हूँ, जितनी बार बनाएंगे रिवाइज करवाएंगे, मैं रिवीजन में कभी भी जो है आलस्य नहीं करता, रिवीजन के अंदर मैं कभी भी आलस्य नहीं करता हूँ, और इसलिए आपको मैप के माध्यम से एक बार फिर से बताने की कोशिश करूँगा कि जो रिवर गंगा है यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में जहाँ पर बांग्लादेश ये शुरू होता है, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है फरक्का, यहाँ पर एक बैराज बना हुआ है जिसको कहते हैं फरक्का बैराज, बांध टाइप का बना हुआ है, तो उस बैराज से कुछ पानी इधर डाइवर्ट किया जाता है और कुछ पानी इधर चला जाता है। जो गंगा रिवर बहती हुई आ रही थी उसका कुछ पार्ट इधर चला गया और कुछ इधर हुगली नदी के रूप में जो है कलकत्ता पोर्ट को जो है बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा। तो यहाँ पर ये जब नदी एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर तो इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर है पद्मा, तो पद्मा इसका नाम है। और इसमें जब जमुना मिल जाएगी तो जमुना कौन सी है जो बांग्लादेश में एंटर करी है ब्रह्मपुत्र, उसको जमुना, तो फाइनली मेघना बन जाएगी। ठीक है, दोनों से मिलके जो एक रिवर बनेगी उसको मेघना कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा, और उसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना, और दोनों ही मिल जाएंगी तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे मेघना। तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं इसकी की देखना चाहूँगा, आप सब बच्चों के सामने ही आंसर निकलेगा। तो देखिए बांग्लादेश में गंगा को नाम दिया गया है पद्मा, ठीक है, और वो मैंने बता दिया था, और उसको जो ब्रह्मपुत्र है उसको क्या कहा गया है? मेघना कहा गया है, तो वो भी मैंने बता दिया, और दोनों को मिला ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा गया है और दोनों को मिला दे तो उसको मेघना कहा जाता है। तो ये जो है बिल्कुल क्लियर हो गई, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, और आपको ज़्यादा फैक्ट ना बता के क्वेश्चन कैसे आते हैं उस तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन टू ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या नाम दिया गया है? वो क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है, फिर से रिवीजन के लिए मैंने डाला है। देखिए ये फरक्का स्थान है बांग्लादेश का और इंडिया का बॉर्डर है, ये वेस्ट बंगाल है और ये बांग्लादेश है। यहाँ फरक्का बैराज से एक रिवर तो इधर निकाल दी, इसको हुगली नदी कहते हैं, इसके किनारे पर कलकत्ता पोर्ट है और ये नदी जो है इसको बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। अब दूसरा पार्ट इसका जाता है बांग्लादेश के अंदर, इसको बांग्लादेश में कहा जाता है रिवर को गंगा को पद्मा। ठीक है,
इधर से असम से एक रिवर एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। असम में तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको कहा जाता है जमुना। और जब ये दोनों मिल जाती है तो जो रिवर एक नदी के रूप में चलती है उसको कहते हैं मेघना। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया कि ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर हो गया जमुना। फिर भी अगर आप आंसर देखना चाहते हैं, क्यों ना आंसर देख लिया जाए, उससे फीलिंग्स ही आ जाती है एग्ज़ाम की। तो देखिए बिल्कुल जमुना ही राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा गेट्स डिवाइडेड इंटू टू ट्रिब्यूटरीज एट फरक्का। ये मैंने आपको बार बार बताया कि फरक्का स्थान कहाँ पर है। वन ब्रांच गोज टू बांग्लादेश एंड अदर नेम्ड एज हुगली गोज थ्रू कलकत्ता, कलकत्ता से होते हुए जाती है और फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। तो कलकत्ता जो पोर्ट है ना, वो समुद्र के किनारे पर नहीं है, उसको पोर्ट के रूप में नेविगेबल बनाने में एक नदी है जिसका नाम है हुगली। ये हुगली नदी कोलकाता अंदर की तरफ है, ये इसको बाहर बे ऑफ बंगाल से समुद्र से जोड़ती है। तो ये बताया कि फरक्का से दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब उसने कहा कि ये फरक्का कहाँ पर है, ठीक है। तो उड़ीसा में है या सिक्किम में है या छत्तीसगढ़ में है या वेस्ट बंगाल में। इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बांग्लादेश जब जो बना हुआ है वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। और उस बंगाल का विभाजन है तो एक पार्ट उसका इंडिया में है, तो वेस्ट बंगाल है वो, और वहाँ से उसकी बाउंड्री लगती है। वेस्ट बंगाल में ही फरक्का स्थान है जहाँ से वो रिवर किसमें जाके गिरती है, बंगाल में चली जाती है एक पार्ट। अब हम बात करते हैं रिवर सिस्टम को समझने की। देखिए हम समझाएंगे आपको, अभी ये जो क्वेश्चन है इसको रोक लेते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर आपको एक खाली स्पेस में समझाएंगे कि जो हिमालयन रिवर नदियाँ हैं और पेनिनसुलर रिवर नदियाँ हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन आता है, एनालिसिस का क्वेश्चन आ जाता है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, ये रिवर का टॉपिक किसी एक क्लास में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, हिमालय से निकलने वाली रिवर जो है और प्रायद्वीप पे बहने वाली रिवर जो है, जो कि मोस्टली वेस्टर्न घाट से निकलते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए हिमालयन जो रिवर है वो पेरिनियल है, पेरिनियल मतलब सदानीरा, पेरिनियल होती है जो पूरे वर्ष जिसमें पानी बहता है, सदानीरा मतलब हमेशा इसमें पानी बहेगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर बारिश के मौसम में तो पानी बढ़ जाता है, लेकिन बाकी टाइम पे जो आइस है, आइस कैप है, जो उनके पर्वतों की चोटी पर जो बर्फ चोटी जमी हुई है, उनसे पानी जो है पिघल के बहता रहेगा पूरे साल। लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो है वो सीजनल है, मतलब सीजन बारिश का सीजन जब आएगा तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रेनी सीजन में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और जब रेनी सीजन नहीं होगा तो वाटर न के बराबर होगा। कई रिवर तो जैसे नाला होता है वैसे दिखाई देने लग जाती है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। ये इसका वाटर का सोर्स अगर देखे, तो वाटर का सोर्स अगर हिमालयन रिवर का देखे तो आइस प्लस रेन है, इसलिए इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वाटर का सोर्स है वो रेन है, आइस नहीं है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ निकलती है, वेस्टर्न घाट इतने ऊंचे नहीं है जो पश्चिमी घाट है कि उन पे बर्फ़ जम जाए, ठीक है। तो वहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती, वहाँ पर बारिश होती है, खासतौर से मानसून बारिश होती है, तो उसी से जो है रेन से ही सोर्स है। इसलिए यहाँ पर वाटर जो है ना, इन रिवर्स में वाटर जो है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इनसे, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है दो रिवर, इसकी जो दो रिवर है, एक तो इंडस यानी कि सिंधु नदी और दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी और ये जो नदी है, ये दो रिवर ऐसी हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की जो कि आउटसाइड इंडिया निकलती है। आउटसाइड इंडिया मतलब भारत के बाहर इसका सोर्स है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स की सारी नदियों का सोर्स इंडिया के अंदर ही है, सारी इंडिया से ही निकलती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए इन नदियों का, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो इनका कोर्स यानी कि रास्ता बहुत लंबा है, ठीक है। लंबी नदियाँ हैं ये, जबकि ये नदियाँ जो है छोटी नदियाँ हैं, क्योंकि पेनिनसुला अपने आप में ही सिकुड़ जाता है नीचे की तरफ, तो ये नदियाँ इतनी बड़ी नदियाँ नहीं हैं। इनका रास्ता कोर्स जो है
वो शॉर्ट है, यानी कि इनका रास्ता जो है वो शॉर्ट है। तो कुछ डिफरेंसेस हमने देखे किसके बारे में। और ये नदियाँ जो है ना, ये गहरी नदियाँ हैं, ये क्योंकि लंबा रास्ता है तो गहरी भी है, ये शॉर्ट है, ये इतनी गहरी भी नहीं है, तो ये आप इसको समझ सकते हैं। अब देखो फिर से कुछ डिफरेंसेस और देखते हैं, हिमालयन रिवर्स के बीच में और पेनिनसुलर रिवर के बीच में। ये डिफरेंसेस आपको एनालिसिस का क्वेश्चन बना के, जैसे क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं वैसे क्वेश्चन में आपको जो है दिए जा सकते हैं, जैसे हिमालयन और पेनिनसुलर के अंदर। ठीक है, ये यंग रिवर है, ठीक है, यंग रिवर्स के अंदर पानी तेजी से बहेगा, उछल उछल के झरने बनाएगा। ठीक है, तो ऐसा रीजन क्यों है कि हिमालयन जो चट्टानें हैं काफ़ी ऊंची ऊंची हैं और इनसे जब पानी आता है तो खूब उछल कूद करके आता है। ठीक है, लेकिन पेनिनसुलर एरिया की जो चट्टानें हैं, देखिए वेस्टर्न घाट ऐसे दिखाई देगा, तो इधर तो पहाड़ जैसे दिखाई देगा लेकिन इधर इतना पहाड़ नहीं दिखाई देता। तो ये रिवर्स जो है वो यंग नहीं है, ये ओल्ड रिवर्स है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये यंग है, पानी की स्पीड ज़्यादा है, तो इरोजन ये ज़्यादा करती है, पहाड़ की कटाई ये ज़्यादा करती है, इसी वजह से जो है यहाँ इरोजन ज़्यादा है, पहाड़ फिसलते रहते हैं, यहाँ पर इरोजन लेस है। रीज़न क्या है कि ओल्ड रिवर है, स्लो स्पीड है, कम पानी है और ढाल भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है पहाड़ों का, तो यहाँ पर इरोजन कम होगा, यानी कि भूमि का कटाव कम होगा। ठीक है, अब ये रिवर जो है ये यूजफुल है इरीगेशन के अंदर, क्योंकि 12 महीने पानी है तो ये ज़्यादा यूजफुल है। हम रिलेटिवली देखेंगे इरीगेशन में ये ज़्यादा जो है हेल्पफुल है इन कंपेरिजन टू दिस, ये भी हेल्पफुल है लेकिन सीजनल के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो रिवर हमने देखनी है वो फिर से मैं बता देता हूँ, एक तो इंडस है, उसके बाद दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ये तीन रिवर सिस्टम जो है आपको पढ़ने हैं हिमालयन रिवर के अंदर, बाकी जितनी नदियाँ वो इनके सहायक नदियाँ होंगी। ठीक है, और इसके अंदर पेनिनसुलर के अंदर तो आपको बहुत सारी पढ़नी है, बाय नेम मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो गोदावरी है जो सबसे बड़ी रिवर है पेनिनसुला की, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है, जिसको बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसके साथ साथ दूसरी है कृष्णा, कृष्णा रिवर भी पेनिनसुला की रिवर है। इसके साथ साथ कावेरी है, महानदी है, और साथ ही साथ फिर यहाँ पर नर्मदा और तापी, ये दो नदी जो कि उल्टे उल्टी तरफ जो है बहाव करती दिखेंगी, ये रिवर भी आपको दिखाई देंगी। तो ये हमने देख लिया कि हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दो तरह का रिवर सिस्टम है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर टॉपिक को आगे भी बढ़ा सकते हैं, अगर अलाउड करता है टाइम। कितना टाइम हुआ होगा, मुझे लगता है कि आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, तो हम इसको टॉपिक को रोकेंगे और फिर इस टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन रिवर्स के साथ। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन करते हैं फिर इसको टॉपिक को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहाँ तक इसको, ये तो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो वाटरफॉल मेड बाय नर्मदा, ये तो अलग ही हो गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे रिवर सिस्टम ऑफ गंगा। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम देख, पहले इंडस कर लेते हैं फिर गंगा करेंगे। तो वन बाय वन जो है इसको हम कल शुरू करेंगे, आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो एक वार्म अप हो गया, काफ़ी दिन बाद हो रहा है तो एक वार्म अप हो गया है। ठीक है, वार्म अप की वजह से जो है आपको जो है थोड़ा सा, पहली क्लास इतनी हैवी भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारे फैक्ट आपके सामने आए। फिलहाल इस क्लास को एक दो बार और रिवाइज कर लीजिए, इसी पे रिवर्स पे ही लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन भी है जो आपको डिस्कस करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि फाइनली तो आपको क्वेश्चन ही करने हैं, और क्वेश्चन जब करते हैं तो आपको हैबिट बन जाती है सॉल्यूशन निकालने की, ये हैबिट आपको बननी चाहिए, डेली आपको क्वेश्चन करने चाहिए। तो अभी यहीं पे क्लास को रोकते हैं, ठीक है, और आपका जो यहाँ पर ये जो क्लास हम एंड अप कर रहे हैं वो हमेशा मोटिवेशन चीज़ से एंड अप करते हैं, तो मैं आपको मोटिवेशन के रूप में कहूँगा कि आप अपने जो सक्सेस है उसके लिए खुद ही जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कोई एक्सक्यूज मत बनाइए। जो चीज़ आपने शुरू की है ना, जो आप जो गोल लेके चले हैं एक जॉब हासिल करने का, चाहे वो टीचर्स की जॉब है या कोई भी जॉब है, तो आपने जो कोर्स किया या आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मन से आइए। ठीक है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, आधे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मतलब आधे मन से आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी तैयारी के साथ आइए, पूरे मन के साथ आइए, जब आपका मन पूरा होगा एफर्ट आपके जो होंगे ना वो पूरे प्रोडक्टिव बन जाएंगे, और कोई भी मुश्किल
कोई भी कंपटीशन, कोई भी किसी तरह की कठिनाई आपको नहीं रोक सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिए। भूल जाइए पहले आप नहीं पढ़ते थे या ज़्यादा पढ़ते थे, या आपका स्कूलिंग अच्छी है या नहीं है, भूल जाइए। अब जो पढ़ेंगे, ठीक है, नाउ जो आपका एक्टिविटी होगी वो डिसाइड करिए आपका फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलने वाली है या नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को रखिए माइंड में कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस करना है, और कॉन्फिडेंस आएगा मेहनत से। आपको खुद लगना चाहिए कि हाँ जी सर, आज कुछ मैं पढ़ा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। गिल्ट नहीं आ रहा है मन के अंदर कि क्यों नहीं पढ़ा। आप घूमते रहते हैं और मन में गिल्ट पाल के गिलानी आती है कि मैंने गलती की है। नहीं, इतना ज़्यादा पढ़िए कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि वाह, मेरे से अच्छा कोई नहीं, मैं भी पूरा ऑनेस्ट हूँ अपने लिए। ठीक है, तो ये फीलिंग लेके आइए, निश्चित रूप से आपके साथ हैं हम भी, मोटिवेट करने के लिए भी आपको सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और अपना ध्यान भी रखिए। चलिए।